गुड मॉर्निंग बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास फर्स्ट पढ़ेंगे। हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है, टॉपिक रहेगा दिस डेट ही सी। ठीक है, तो मैंने पहले आपको वो ये नंबर करवाए थे, उसमें क्या था, प्लूरल सिंगुलर था, तो उसमें एस लगाना था अपने को। इसी प्रकार ये आगे करेंगे दिस डेट ही सी। तो दिस का मतलब क्या होता है ये देखेंगे पहले। तो दिस TH IS दिस, दिस माने ये होता है यह है, मतलब पास के लिए, जो पास में होना उसके लिए, पास की वस्तु के लिए लगाते हैं दिस। इसके बाद डेट TH AT डेट होता है वह, ये किसके लिए होता है, दूर के लिए, दूर के लिए मतलब दूर की वस्तुओं के लिए क्या होगा डेट। तो मान लो यहाँ मैंने लिखा है दिस इज ए बेट, BAT बेट, ये बेट क्या है, पास में बना हुआ है, इस करके ऐसे होता है ना बेट। तो ये क्या है, दिस इज ए बेट, ये पास में है, इसके लिए क्या लगाएंगे, दिस लगाएंगे, या क्या लगा दिया अपने को लगाना है, दिस लगाना है पास में, इसलिए क्या आएगा दिस। और इसी प्रकार मैंने लिखा डेट TH AT डेट इज ए काइट, KIT काइट, काइट मीन्स क्या होता है, पतंग। ये मान लो मैंने थोड़ा दूर लगा दी, यहाँ ऐसे करके ऐसे ये बना दिया काइट। तो ये क्या है, दूर है ना, तो ये दूर की वस्तु है, इसके लिए क्या आएगा डेट, डेट इज ए काइट, ये डेट आ गया। तो काइट के लिए क्या आ गया डेट, क्यों आया, क्योंकि ये दूर है। इसी प्रकार मैंने लिखा दिस इज ए बॉल, बॉल दिस लगाए, दिस के लिए क्या होगा पास लगाएंगे, ये क्या है बॉल, तो ये पास में है, इसके लिए क्या लगाएंगे दिस, दिस इज ए बॉल। इसी प्रकार आगे मैंने लिखा डेट इज ए डॉग, DOG डॉग, ये मैंने तो क्या बनाया, दूर बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि डेट आया है, डेट है, इसलिए क्या बनाया दूर, तो दूर की वस्तु के लिए क्या आएगा डेट, तो डेट इज ए डॉग, ये दूर है इसलिए क्या आ गया डेट। इसी प्रकार आगे अपने क्या करेंगे, ही और सी, ही और सी का प्रयोग करेंगे। ही किसके लिए आता है, लड़के के लिए, ही का अर्थ होता है वह, किसके लिए आएगा लड़के के लिए, लड़के के लिए, यानी कि पुलिंग। और सी किसके लिए आता है, सी का मतलब भी क्या होता है वह होता है, लेकिन किसके लिए आता है, लड़की के लिए, लड़की के लिए, या किसके लिए आएगा, स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, इसका अपने उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने लिखा सी इज नेहा, नेहा, सी इज नेहा, तो यहाँ नेहा क्या है, लड़की है, तो इसके लिए क्या लगाया सी, तो सी इज नेहा वह लड़की है। इसी प्रकार मैंने आगे एक और लिख दिया सी इज सीता, सीता भी क्या है लड़की है, सी इज सीता, सीता
के लिए क्या लगाया, सी, क्योंकि सीता लड़की है इसलिए क्या है, सी आया है। इसी प्रकार मैंने लिखा, ही इज राम, तो राम क्या है, लड़का है, लड़के के लिए क्या आया, ही इज राम, वह राम है। और इसी प्रकार लिखा ही इज हरी, ही इज हरी, तो वह हरी है। तो हरी क्या है, लड़का है, इसके लिए क्या आया, ही। तो एक बार दोबारा देखो बच्चों, यहाँ लिखा दिस के लिए यह है, ये किसके लिए आता है, जो पास में हो मतलब नज़दीक वस्तु हो उसके लिए क्या आएगा, दिस। और देट वह दूर के लिए आता है, जो वस्तु दूर होती है उसके लिए क्या लगाएंगे, देट। इसी प्रकार मैंने ये उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है, दिस इज ए बेट, ये बेट पास में है इसलिए क्या आया, बेट, दिस आया सॉरी। तो दिस किसके लिए आएगा, जो पास में हो, जो वस्तु नज़दीक हो उसके लिए क्या लगाएंगे, दिस। तो ये पास में है बेट, इसके लिए दिस इज ए बेट, ये एक बल्ला है। देट इज ए काइट, ये काइट दूर है इसके लिए क्या आया, देट आया है। इसी प्रकार दिस इज ए बॉल, ये बॉल पास में है इसलिए क्या लगाया, दिस लगाया है। बॉल मीन्स क्या होता है, गेंद। और देट इज ए काइट, काइट वह एक पतंग है, तो काइट मीन्स क्या होता है, पतंग। इसी प्रकार देट इज ए डॉग, ये डॉग दूर है कुत्ता, तो इसलिए क्या लगाया, देट इज ए डॉग। इसी प्रकार ही और सी, ही किसके लिए आता है, लड़के के लिए, और सी लड़की के लिए। तो यहाँ मैंने एग्जांपल दिया, सी इज नेहा, वह नेहा है, नेहा लड़की है इसलिए सी आया। और इधर सी इज सीता, सीता भी लड़की है इसके लिए सी आया। इसके आगे ही इज राम, वह राम है, तो राम के लिए क्या आया, ही आया। ही इज हरी, हरी भी क्या है, लड़का है, इसके लिए ही आया। ठीक है बच्चों, तो आप ना अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में करोगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।